इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सनातन धर्म विवाद पर तथ्यों के साथ बोलने को कहा है। इसके साथ ही भारत और इंडिया विवाद पर बोलते हुए एहतियात बरतने के निर्देश भी पीएम मोदी ने दिए हैं। तो सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं, सनातन पर तथ्यों के साथ बातचीत करने के निर्देश प्रधानमंत्री ने दिए हैं। बिल्कुल, मेरे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, सनातन विवाद पर पीएम मोदी ने क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, बिल्कुल, मंत्री परिषद की मीटिंग में दो टूक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है अपने मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के, जो सनातन धर्म पर जो विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उस पर स्पष्टता के साथ तर्कों के साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सनातन परंपरा पर, सनातन धर्म पर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ऐसे में तर्कों के साथ जवाब जरूर दें और जवाब दिया जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों पर दो टूक संदेश अपने मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को दिया है। यानी कि साफ है कि बीजेपी और सरकार इस मुद्दे पर, जो विपक्ष के जो भी नेता इस मुद्दे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको बखने के मूड। यतेंद्र, ये जो इंडिया वर्सेस भारत का जो विवाद चल रहा है, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ निर्देश मंत्रियों को दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने इस विषय पर भी नसीहत अपने सदस्यों को दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे विवाद में पड़ने से बचना चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसको इग्नोर किया जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि इंडिया और भारत जैसा जो विवाद खड़ा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है, वो विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। और इस विषय पर अपने मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से, पार्टी के नेताओं से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर बोलने से वो परहेज करें और जहाँ तक संभव हो इस पूरे विवाद पर विराम लगना चाहिए। बिल्कुल यतेंद्र, पीएम मोदी के ये निर्देश काफी अहम हो जाते हैं, क्योंकि चाहे हम सनातन पर टिप्पणी के मामले की बात करें या इंडिया वर्सेस भारत की बात करें, सियासी भूचाल मचा हुआ है। देखिए, जहां तक इंडिया वर्सेस भारत की बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर जो मैसेज दिया, वो नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर कोई भी विवाद किसी भी तरह से खड़ा हो, क्योंकि जो भारत की जनता है, जो पूरे देश की जनता है, वो अच्छे से जानते हैं कि भारत का क्या महत्व, और ये आज से नहीं, ये सहस्त्रों वर्षों से भारत नाम इस देश के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ऐसे में इस विवाद को और आगे ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि अगर जवाब देना भी है तो तर्कों के साथ दें, लेकिन कोशिश करें कि इसमें ज्यादा बड़ा विवाद, ज्यादा समय तक ये विवाद न रहे, क्योंकि देश के सामने दूसरे मुद्दे हैं। G20 समिट होने वाला है, तो ऐसे में उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में भारत की जो इमेज है वो किस तरह से बढ़ रही है, साख किस तरह से बढ़ रही है, उस पर फोकस रहना चाहिए। और जहां तक सनातन धर्म की बात है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं को बख्शने का कोई उनका इरादा नहीं है, तो ऐसे में उनको सख्ती के साथ, पूरे तर्कों के साथ, स्पष्टता के साथ जवाब जरूर देना चाहिए, जिससे वो जो एक पूरी परंपरा को, पूरी सभ्यता पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी कोशिश किस तरह से वोटों को लेकर है, किस तरह से तुष्टिकरण को लेकर है, वो जनता के सामने आनी चाहिए। तो इन्होंने साफ मैसेज दिया है कि सनातन पर अगर कोई विवाद खड़ा करता है तो उसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल यतेंद्र, और चूंकि भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में पहुंचेंगे, ऐसे में विपक्ष की तरफ से जो ये कोशिश की जा रही थी ध्यान भटकाने की, क्योंकि लगातार यहाँ विवाद खड़े किए जा रहे थे, दर्शकों को एक बार पहले खबर बता देते हैं, लगातार सनातन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और भारत वर्सेज इंडिया की बात की जा रही थी, इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से दरअसल मंत्रियों को निर्देश जारी किया गया है, सनातन पर तथ्यों के साथ आप जवाब दें, ये प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है। साथ ही इंडिया वर्सेस भारत का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, उससे दूरी बनाए रखने के लिए